तो दोस्तों इस वाले इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए आपको एलाइट मोशन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, और एलाइट मोशन एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको एलाइट मोशन विदाउट वाटरमार्क वाला चाहिए तो आप नीचे में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा हूं। जैसे एलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा आपको इस प्लस वाला आइकन पर टैप करना होगा, और यहां पर वीडियो का रेशियो सेलेक्ट करके नीचे में क्रिएट प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पर आपको चले जाना होगा। अब आपको क्या करना है, गैलरी से वीडियो को ऐड कर लेना है। तो वीडियो ऐड करने के लिए आपको इस प्लस वाला आइकन पर टैप करना होगा, और यहां पर मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने गैलरी को ओपन कर लेना है और गैलरी से वीडियो को ऐड कर लेना है। तो जैसा कि देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक वीडियो को ऐड कर लिया हूँ, तो कुछ इस तरह आपको भी वीडियो को ऐड कर लेना है। तो वीडियो ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना है, वीडियो के लेयर पर आपको कुछ इस तरह टैप करना होगा, देन आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पर चले जाना होगा, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, और यहाँ पर स्लाइड करते हुए अदर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको टैप कर देना है, और यहाँ पर आपको चैनल रीमैप RGB का एक इफेक्ट मिलेगा, तो इसको आपको ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद आपको इसको यहाँ पर मोनोक्रोम पर रखना है, ठीक ना, इसके स्टैंडर्ड सेटिंग पर नहीं चले जाना, इसको आपको मोनोक्रोम पर रखना है। अब आपको चैनल रिमेप पर टैप कर देना है और ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है, और यहाँ पर कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन पर चले जाके आपको नीचे में यहाँ पर स्लाइड करते हुए चले जाना है। यहाँ पर आपको एक इफेक्ट मिलेगा सिचुएशन एंड वाइब्रेंस का, तो इसको आपको ऐड कर लेना है और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पर रखना है। अब आपको यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल से यहाँ से आ जाना होगा बैक। बैक आ जाने के बाद अब आपको इस प्लस वाला आइकन पर टैप करना होगा और एक स्क्वायर का शेप को आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसको पूरी वीडियो में अप्लाई कर देना है। देन आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पर चले जाना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, और यहाँ पर आपको अदर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर कॉपी बैकग्राउंड का इफेक्ट मिलेगा, इसको आपको ऐड कर लेना है और इसके स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपको चले जाना होगा। आपको फिर से कॉपी बैकग्राउंड पर टैप कर देना है और ऐड इफेक्ट वाला ऑप्शन पर चले जाना है, और यहाँ पर आपको कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर एक्सपोजर एंड गामा का इफेक्ट मिलेगा, तो इसको आपको ऐड कर लेना है और इसके स्टैंडर्ड सेटिंग पर चले जाना है। आपको फिर से ऐड इफेक्ट वाला ऑप्शन पर चले जाना होगा, और यहाँ पर आपको ब्लर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको गॉसियन ब्लर का इफेक्ट मिलेगा, इसको आपको ऐड कर लेना है और इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग पर रखना है। तो इन तीनों इफेक्ट को ऐड करने के बाद आपको इस एरो वाला निशान पर टैप करना होगा, और यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाला ऑप्शन पर चले जाना होगा, और यहाँ पर डिफरेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा तो इस पर आपको टैप कर देना है, और सब ट्रैक को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको इस एरो वाला निशान पर टैप करके आ जाना होगा बैक। बैक आ जाने के बाद अब आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पर चले जाना है, अब आपको एक्सपोजर और गामा एंड गॉसियन ब्लर को एडजस्ट कर लेना है। तो एक्सपोजर एंड गामा वाला ऑप्शन पर आपको चले जाना होगा, और एक्सपोजर को आपको यहाँ पर घटा के -30% के करीब में आपको रखना है। देन आपको गामा वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और गामा को आपको यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देना है, और नीचे में ऑफसेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ऑफसेट को यहाँ पर -0.0 ऐड कर लेना है। देन आपको यहाँ पर एक्सपोजर एंड गामा पे टैप कर देना है, और गॉसियन ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको गॉसियन ब्लर का जो स्ट्रेंथ है इसको आपको 280 रखना है, ठीक है। देन आपको इस एरो वाला निशान पर टैप करके आ जाना होगा बैक। बैक आ जाने के बाद अब आपको क्या करना है, वीडियो के लेयर पर आपको टैप करना है अपने वीडियो के लेयर पर, और इफेक्ट वाला ऑप्शन पे चले जाना है। अब आपको इस इफेक्ट को एडजस्ट करना है, तो सबसे पहले आपको सिचुएशन एंड वाइब्रेंस वाला ऑप्शन पे चले जाना है, और सिचुएशन को आपको बढ़ा के यहाँ पर 30% रख लेना है। उसके बाद आपको सिचुएशन एंड वाइब्रेंस पे टैप करना है, और चैनल रिमेप पे आपको चले जाना है। तो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग कर लेना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट वाले को आपको R पे रख देना है, और सेकेंड वाले को आपको G पे रख देना है। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, और आपका वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आ जाना होगा बैक। बैक आ जाने के बाद अब आपको क्या करना है, प्लस वाला आइकन पर टैप करना है और एक स्क्वायर के शेप को सेलेक्ट कर लेना है, इसको पूरी वीडियो में अप्लाई कर देना है कुछ इस तरह जूम करके। देन आपको कलर एंड फिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करके व्हाइट वाले कलर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एरो वाला निशान पर टैप करके आ जाना होगा बैक। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर चले जाना होगा, और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर टैप करके आपको ओवरले को सिलेक्ट कर लेना है, और आपका वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे होंगे, ठीक है। अगर आपके वीडियो में लगे ब्राइटनेस कम है तो आपको फिर से इस प्लस वाला आइकन पर टैप करना है, स्क्वायर का शेप को सिलेक्ट करना है, पूरी वीडियो में अप्लाई कर देना है, कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर जाकर आपको व्हाइट वाले कलर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको एरो वाला निशान पर टैप करके आ जाना होगा बैक, और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको कॉन्ट्रास्ट पर चले जाना होगा, और ओवरले को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप अपनी वीडियो का ब्राइटनेस जो है यहाँ पर कम बेसी करके एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। देन आपको यहाँ पर टैप करके आ जाना है बैक। बैक आ जाने के बाद आप देखोगे आपके वीडियो में सारा इफेक्ट जो अप्लाई हो चुका है, और आपका वीडियो जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस वाले इफेक्ट को पूरी वीडियो में अप्लाई कर देना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में आग का निशान दिख रहा है सभी को टैप करके आपको मार्क कर लेना है। अब वीडियो के फर्स्ट पार्ट पर आपको चले आके यहाँ पर टैप कर देना है, और वीडियो के लास्ट पार्ट पर चले जाके आपको यहाँ पर टैप कर देना है। जैसे आप टैप करोगे ये वाला इफेक्ट जो आपकी पूरी वीडियो में अप्लाई हो जाएगा, और आपका वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको इस वाले वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, और इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।